तो उद्धव ठाकरे को आप अभी अभी देख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे, उन्हें ऐसा विश्वास है, जैसे समय आगे बढ़ेगा और लोग वोट करने जाएंगे। लेकिन आइए सीधे चलते हैं आशीष जाधव के पास, हमारे संवाददाता, उनके साथ हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में। जी आशीष। आकाश, महाराष्ट्र आज 13वीं विधानसभा के लिए मतदान कर रहा है। अपने साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी हैं। सर, जिस रफ्तार से मतदान हो रहा है, आपको लगता है कि आपने जो दावा किया था कि पूर्ण बहुमत से महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता आएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में देश में एक होप है और हम वो पूरी भी कर रहे हैं। महंगाई 18.66% से लेकर आज 2.83% पे आई है, कम हुई है। महाराष्ट्र के जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार है, इससे लोग नाराज हैं। 15 साल में महाराष्ट्र पर 3 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई पर खर्चा करने के बाद इन्हीं की श्वेत पत्रिका कहती है कि 0.01% केवल सिंचाई हुई है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं जो एक समय सरप्लस थी, और इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे और हमको फुल मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपका मानना यह है कि जो भी मतदान हो रहा है वो विकास के मुद्दे को लेकर हो रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि देश की जनता ने विकास के मुद्दे पर ही नरेंद्र मोदी जी को चुनकर दिया है और विकास के मुद्दे पर ही कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को दिल्ली से हटाया है। जो सरकार केवल जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और वोट बैंक की राजनीति करती है, वो एक्सपोज हो गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अपेक्षा लोगों के मन में निर्माण हुई है और महाराष्ट्र में भी उसी प्रकार से लोग वोट देंगे। लोकसभा में हम लोग 240 विधानसभा क्षेत्र में 288 में से भाजपा और सेना मिलकर लीड पर थे। अब भाजपा भी अलग लड़ रही, सेना भी अलग लड़ रही, कांग्रेस भी अलग लड़ रही, शिवसेना भी अलग, एनसीपी भी अलग लड़ रही और एमएनएस भी लड़ रही। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से हमारा फायदा होगा और हमको फुल मेजोरिटी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, आपके जो 25 साल के पार्टनर थे, आपका शिवसेना के साथ गठबंधन था और वो आज ये चुनाव में टूट गया है, आखिरी दिन तक शिवसेना के नेता हो या शिवसेना का जो माउथपीस कहा जाता है सामना, उसमें भाजपा और पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो वोटर है उनमें संभ्रम पैदा करने की कोशिश है? देखो, जब निराशा और फ्रस्ट्रेशन आता है तो अच्छा भी नेता अपना तोल गवा देता है, वैसी बात है। जहां तक सामना में जो लिखा गया है वो निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, कद्दावर नेता है और देश के प्रधानमंत्री है। उनके पिता का उल्लेख करके लिखना, यानी एक प्रकार से ये देश का अपमान है। और सामना जिस प्रकार से लिखता है और बोलता है, इसी के कारण ही भाजपा और सेना की रिलेशनशिप खराब हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो लिखी हुई बातें, ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी कोई लाचारों की फौज नहीं है जो शिवसेना के दरवाजे पे खड़ी है। उनकी पार्टी है, उनका अधिकार है, उनको अलायंस करना है नहीं करना है उनका सवाल है, हमारा सवाल है। पर हमने कभी बाला साहब के बारे में, उद्धव जी के बारे में, शिवसेना के बारे में ऐसी कभी चर्चाएं की नहीं। अगर जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत दुखी होंगे और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भाजपा का गठबंधन टूट गया है, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार में शिवसेना के एक मंत्री अभी भी उनके पद पे है। ये माना जाए कि अगर जरूरत गिरी तो पोस्टपोल अलायंस में भाजपा और शिवसेना साथ आ सकते हैं? देखिए, ये मैंने भी कहा था कि हमारी अलायंस महाराष्ट्र में नहीं हुई तो भी शिवसेना एनडीए में है और अनंत गीते जी ने रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं, ना बीजेपी ने किसी ने उनका रिजाइन मांगा है। तो मुझे लगता है ये तो प्रश्न शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ है। पर जिस प्रकार से सामना में हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित किया जाता है, जिस प्रकार से उनका उल्लेख किया जाता है, इस प्रकार की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम सहिष्णु हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, पर हम लाचार नहीं हैं। हम शिवसेना के दरवाजे पर कोई अर्जी लेके खड़े नहीं हैं और इसलिए इस प्रकार का अपमान भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ।
महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता आती है तो क्या नितिन गडकरी दिल्ली छोड़ महाराष्ट्र में वापस आ सकते हैं? नहीं, मेरी वापस आने की इच्छा भी नहीं है, न मैं आना चाहता हूं। जब मैं दिल्ली गया तो मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, अब दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली के काम में मेरा मन लगा है। जब महाराष्ट्र में था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने का मुझे अवसर मिला, मैंने काम किया और बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से भी उस समय काम किया। अब मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में मैं राष्ट्रीय महामार्गों की योजना बना रहा हूं, मैं बड़े प्रमुखों भी काम कर रहा हूं और सबसे महत्वपूर्ण अब गंगा के प्रति मेरी बहुत लगन लगी हुई है। उमा भारती जी के साथ मैं गंगोत्री से लेकर हल्दिया तक अविरल निर्मल गंगा का सपना देश का पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगा हूं और मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन में मेरे हाथ से वो काम हो। अब इसलिए मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूं, मैं मुंबई आना नहीं चाहता। आप नहीं तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए किसका नाम आगे आना चाहिए भाजपा की ओर से, ऐसा आपको लगता है? आप क्या सलाह देंगे? देखिए, महाराष्ट्र में ऐसे अनेक कद्दावर नेता है जो मुख्यमंत्री का पद पर जा भी सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। हमारी पार्टी पिता पुत्र और माँ बेटों की पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं, पार्टनरशिप कंसर्न नहीं और प्रोपरेटरी कंसर्न नहीं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष सबसे मिलकर इसका उचित निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में ऐसी एक चर्चा है कि भाजपा और एनसीपी का एक छुपा कुछ ऐसी बात हो चुकी है, एक छुपा अलायंस उनका हो गया है जो कि 19 तारीख के बाद मूर्त स्वरूप में आ जाएगा या भाजपा एनसीपी को साथ लेकर सरकार बना सकती है। देखिए, ये चर्चाएं होती तो नरेंद्र मोदी बारामती में प्रचार के लिए क्यों जाते हैं? ये पृथ्वीराज चव्हाण जी ने आरोप लगाया है, जब उनका कांग्रेस के साथ जमा नहीं, वो पहले चक्कर काटते थे एनसीपी के बंगले पर उनके नेताओं, क्या अब नहीं जमा तो ऐसे गैर जिम्मेदार आरोप कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। एनसीपी स्वतंत्र पार्टी है, कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी है, बीजेपी स्वतंत्र पार्टी है, शिवसेना स्वतंत्र पार्टी है और अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव न आया है न हमने भेजा है, तो इसमें तो कोई सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो कि आपका शिवसेना के साथ गठबंधन ये चुनाव में नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर 288 जगह का सोचें तो शिवसेना के साथ गठबंधन होता तो भाजपा और शिवसेना दोनों को इसका बहुत फायदा होता? नहीं, गठबंधन जीते हारे वो बात अलग है, और 25 साल का हमारा रिश्ता जो है वो टूटा है, इसका हमको दुख है। जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारे मन में श्रद्धा है, उतनी बाला साहब के बारे में भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो टूटा है उसके प्रति हमारा मन में दुख भी है। पर बाला साहब थे, प्रमोद जी थे, तभी तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा संख्या आएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। इस बार शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री पद का दावा पहले ही पेश कर दिया। फिर दूसरी बात, हर लोकसभा में हमने उनको सीटें बढ़ा कर दी। इस बार अलायंस पार्टनर आए, नए नए छोटी पार्टी आई, हमने हमारी 8-10 सीटें उनको देने से हमारी 118 की 108 हो गई। तो हमने कहा कि आप ऐसा करिए कि इस स्थिति में हमको आज तक जो आप 10-15 सीटें ऐसी जो हारे हैं, डिपॉजिट जब्त हुआ है, वो भी सीट हमको देकर हमारी संख्या कम से कम 120-125 तो भी रहे। उन्होंने कहा हम 151 के नीचे एक भी कम नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री पद भी घोषित कर दिया। तो हम कुछ कर नहीं पाए, हमारी इच्छा थी पर अलायंस नहीं हो पाई। सर, एक तरफ भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा और फिर तुरंत कांग्रेस और एनसीपी का भी गठबंधन टूटा। आज सभी जो बड़ी पार्टियां हैं राज्य की वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है। इससे जो कांग्रेस एनसीपी के 15 साल के शासन के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वेव थी वो कम नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन लोकल हुआ है। देखिए, हर इलेक्शन होता है उसकी अपनी एक विशेषताएं होती है। लोकतंत्र में हर पार्टी हो जो अपनी बातों को लोगों तक ले जाती है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता की अदालत में जनता उसका निर्णय करती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमने किसको चुनकर देना और किसकी सरकार लाना ये जनता पर छोड़ देना चाहिए। अब 19 तारीख नजदीक है, जनता अपना निर्णय देगी और जनता जो भी निर्णय देगी उसको लोकतंत्र में सभी पार्टियों ने स्वीकार करना चाहिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। जहां तक भाजपा की बात है, मेरा विश्वास है कि जनता इस समय हमको साथ देगी, हमारी मेजोरिटी आएगी और हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता की अदालत में भाजपा भी है और सभी पार्टियां हैं, अब जनता क्या तय करती है ये 19 तारीख को ही स्पष्ट